और बैठने वालों ने इस पर पहले पर्दा डाल दिया और फिर पर्दा उठा। एक निवेदन करना चाहूंगा, पांच आदमी सर, समाज का आदमी दिखता है तो दिखता है, शक्ल दिखती है, समाज वाला है या किसी भाड़े का आदमी है, ये पहचान कर सकते हैं। कई पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप अभी रूबरू होंगे इनके साथ, कहते हैं घर में जब कोई तकलीफ अपनी बेटी पर होती है तो बहुत तेज दर्द की आवाज आती है। ये लड़के को 29 तारीख को इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी, वो वहाँ पे, फिर हमने जहाँ पे वो पढ़ती थी लड़की, हमने वहाँ पता करा तो वहाँ पता चला कि लड़की का किडनैप हो गया, तब से वो गायब है। फिर हमने उसकी पुलिस में रिपोर्ट कराई और रिपोर्ट के बाद जब भी हम कराते हैं वो एकदम बयान देने आ जाती है। ये कोई तरीका है, कह देते हैं पुलिस वाले DIG वगैरह भी कि लड़की बालिग है। ऐसे कोई होता है, मान लो कोई भी बालिग भी है, जब हमने रिपोर्ट कराया हमें मिलाना तो चाहिए उन्हें या नहीं, ये बताओ। चाहे बालिग होगा तो थोड़ा बच्चा कोई ऐसे ही कह देगा, तो अब हमें तो लड़की चाहिए अपनी, बस सम्मोहित कर रखा उसे। अगर आपकी लड़की नहीं मिलती तो अब हम योगी जी के पास जाऊंगी मैं खुद। और वैसे योगी जी कहते हैं कि लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, फिर क्या है उनका वो मतलब, जब वे हमारा साथ नहीं दे रहे। आपका समाज है, आपके समाज हमारे साथ है, साथ है हमारे पूरे समाज। तो क्या मानना, आपकी बेटी कहाँ है? अब हमें क्या पता कहाँ है, उन गुंडों के पास ही होगी, चिल्ले चपट्टों के पास, जो जो वे गुंडे आ रहे साथ में रिपोर्ट करवा दे। और वो एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई अकेला बच्चा कर लेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस? बताओ, अब यहाँ पे हमने करवाई तो सब लोगों ने तो चाहे वो जब तो हुई, भैया अकेला बच्चा कर लेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस? बताओ, चंडीगढ़ देखी गई थी वो, अभी चंडीगढ़ देखी गई, उसके बाद किसी तरह का खतरा, क्या पता मर मर गया जिंदा, हमें क्या पता, हमें तो चाहे जिंदा दिखाओ चाहे मुर्दा, हमें तो मिलनी चाहिए बस। हमारे पता, हमारे घर पे आके देखो तुम कैसे हम रह रहे, हमारे इसके बाबा जी को भी जवाब दे रखा डॉक्टर ने, इतने त्योहार आए हमें पता कैसे कैसे हम रो रो के काट रहे अपने। अब हमें तो यही सतारा, पता नहीं जिंदा है क्या नहीं, क्या उसे टॉर्चर कर रहे, लड़की को मार रहे पीट रहे, अब हमें क्या पता। कोई हमारे पास फोन नहीं आया, कुछ नहीं आया है, क्या पता हमें, क्या पता वो महाराज जी के पास ही होगी, उसके उसको किसके पास है कि जब वो जब से वीडियो आई और जब से वो उसे गायब कर रखा, ये बताओ। और सारे गुंडे आएंगे, नैन सागर आएगा और कौन है, सारी जगह उसके गुंडे आएंगे, खतौली हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, चंडीगढ़ हो, सारी इंडिया में उसके गुंडे फैल रहे। अब बताओ, हमारे तो कोई सुनवाई नहीं है इसके उसमें, क्या पता लड़की कोई मार दिया हो, हमें क्या पता। अब मैं वहाँ योगी जी के पास जाके वो करूँगी आमरण सन। पूरा मामला है, ये बबीता जी बैठी है लड़की की माँ, नयन सागर महाराज ने इनकी लड़की को अपने साथ में अगवा करके रखा हुआ है, वो उन्हीं के आसपास पाई जाती है। जब भी ये कोई FIR लिखाती हैं या कोई अपनी कंप्लेंट लिखाती हैं, वो तुरंत महाराज उसको बाहर निकालते हैं और उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देते हैं। उसके बाद वो लड़की इनके पास वापस नहीं आती, वो पुलिस वालों के साथ मिल करके उनके जो भी चेले चपाटे हैं और वो फिर वापस उन्हीं के पास पहुँच जाती है। लड़की की माँ की ये डिमांड है कि मुझे मेरी लड़की वापस मिले, और अगर ये लड़की 7 दिन के अंदर वापस नहीं मिली इनको, तो CM हाउस के बाहर 7 दिन के बाद ये आमरण अनशन पे बैठ जाएंगी, और उसके बाद प्रशासन के सामने हम जैन समाज को पूरे को लेकर के पहुंच जाएंगे। जैन साहब, इतना बड़ा मामला है, इसमें हाईकोर्ट क्यों नहीं गए अभी तक? हाईकोर्ट अब चले जाएंगे, अभी हमारा जैन समाज में, हम कोर्ट में जाने से थोड़ा हमें मना करते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, कि थोड़ा आपस में निमट जाए तो बढ़िया है। हम चंडीगढ़ गए थे 2-3 बार धरने के लिए, महाराज ने हमसे बात करने को तैयार नहीं हुए। वहाँ अपने बाउंसर, उनके 20-25 परमानेंट तैनात रहते हैं, वो बाउंसरों को आगे कर देते हैं। वहाँ का 150-150 बसें लेके हम वहाँ गए, मंदिर का गेट उन्होंने बंद करा दिया, चारों तरफ सिक्योरिटी लगा दी, पुलिस की सिक्योरिटी लगा दी, धारा 144 वहाँ लगी रहती है हर वक्त, तो इसलिए वहाँ परेशानी थी। अब भैया, पुलिस आपकी नहीं सुन रही, हमारा प्रशासन और पुलिस दोनों नहीं सुन रही, क्योंकि जब इनकी ऑनलाइन कंप्लेंट हुई भी है, पुलिस किसी कीमत पर सुनने को तैयार नहीं, और ऑनलाइन कंप्लेंट के बावजूद भी वो कंप्लेंट बंद कर दी गई, तो इसका मतलब है कि पुलिस जो है वो सुन नहीं रही, और वो पैसा खा करके और वो सहयोग नहीं कर रही है। तो हमारी तो प्रशासन और पुलिस दोनों से ही ये गुजारिश है कि इनकी लड़की को ढूंढ के लाया जाए और इनके घर में पहुंचाई जाए, माँ बाप से उनके पास रखी जाए उन्हें। पुलिस कह देती है बालिग है जी, हम क्या करें? अरे बालिग का मतलब ये थोड़ी है कि अगर उसके ऊपर किसी ने वशीकरण करके रखा हुआ है तो उससे कम से कम उस साधु से तो छुटकारा दिलाओ उसे, जो साधु के भेष में घूम रहा है।
अगर आपके द्वारा दिए गए टाइम तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती तो अगला कदम अगला कदम होगा 7 दिन के बाद में सीएम हाउस जो है लखनऊ पहुंच जाएंगे और वहां पे ही आमरण अनशन पे बैठ जाएंगी।